Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंबई का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के एक गोदाम से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से हड़कंप मच गया है। कल्याण से सटे भिवंडी में कारवली गांव में अवैध रूप से गोदाम में भारी मात्रा में विस्फोटक होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट एक और यूनिट दो के पुलिस अफसरों ने एक साझा ऑपरेशन के जरिए मित्तल इंटरप्राइजेस में बॉक्स में छिपा कर रखे विस्फोटक जिलेटिन डेटोनेटर बरामद किया है। विस्फोटक सामग्री होने की वजह से बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। इस पूरे मामले में एक आरोपी गुरुनाथ काशीनाथ महात्रे 53 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 12,000 जिलेटिन की छड़े और 3,800 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जब्त किया गया है। आरोपी गुरुनाथ को 22 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के पीआई कोकनी साहब और यूनिट 2 के पीआई कोनमाने साहब, इन दोनों ने जॉइंट संयुक्त कार्रवाई की है। भिवंडी शहर के पास जो कालवार गाँव है वहाँ के गुरुनाथ महात्रे नामक एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्वारी का और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं। उन्होंने इल्लीगल और बहुत ही रिस्की पद्धति से दो जगह पे डिटोनेटर्स और जिलेटिन रखे थे, वहाँ रेड करके इनको ताबे में लिया है। लगभग 3,008 इतनी ज़्यादा मात्रा में डिटोनेटर्स मिले हैं और 12,000 जिलेटिन के कैंडल्स मिले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच ने की है। ये जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है क्वारी का काम करते, ये अरेस्टेड एक्यूज, इनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया। 22 तारीख तक 4 दिन की उनको पीसीआर भी मिली है। ये एक्सप्लोजिव्स रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जिनके पास लाइसेंस है उनको ही इसका साठा करने की और यूज करने की परमिशन है, लेकिन इनके पास कौन से भी लाइसेंस नहीं थे। इल्लीगल पद्धति से इन्होंने इसका स्टोरेज किया था। इसकी वजह क्या है, ये किसने भेजा था और इनमें कौन कौन शामिल है, ये सब चीज़ों का तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच काम कर रही है।